तो अक्सर एक कहानी में सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा हो, जैसे होता है ना हीरो हीरोइन की अगर पहले ही आधे घंटे में प्यार के बाद शादी होगी तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। तो आप आ चुके हो और आपने ठान ली है ये अजीब सी जो कथा हम सुनाने वाले हैं, आप इसका पार्ट बनने के लिए तैयार हो। चाय कॉफी चौकड़ी मार के बैठ जाओ, कहानी हो रही है स्टार्ट। सुनाओ। तो बहुत साल पहले जब अलाउड होता था घूमने जाना तो हम घूमने गए थे गोवा। करेक्शन, हम घूमने नहीं, हम रहने गए थे गोवा। देखो, बिफोर शी स्टार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि दो लोग होते हैं, वो लोग बता चुके हैं पहले नौकरी छोड़ के, अब वो कहीं घूमने जाते हैं। टूरिस्ट पहले से हैं वो, अब वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रैवलर बनना चाहते हैं। फ़र्क क्या है टूरिस्ट और ट्रैवलर में? टूरिस्ट एक जगह जाता है, उस जगह को देखता है, चार तस्वीरें खींचता है, सेल्फी खींचता है, घर वापस आ जाता है, ट्रैवलर उस जगह पर रहता है, उसको उसकी वाइब्स अब्जॉर्ब करता है और वहाँ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करता है। मगर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आपको वो एक्स्ट्रा जो है ना कभी कभी भारी पड़ता है, ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, इट गेट्स स्पाइसी। यस, कंटिन्यू। तो ये एक ऐसे ही दिन की कहानी है जहां हम घर से निकले, सुबह उठते ही निकल जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत फन हो। तो आप वो व्लॉग देख सकते हो और जान सकते हो कि हमने सुबह से लेकर शाम तक अरंबोल में क्या क्या किया। अरंबोल एक्साइटेड, कोई एक अलग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। आई फील लाइक आई बिलोंग टू दैट। और क्या ऐसा से या से बाल कितने सुंदर हैं, असली हैं? बहुत प्यारे बाल हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं दो चोटी। छुपा रही है। वो नहीं कर पाएंगे। बनाने के बाद 15-20 दिन तक पानी शैम्पू कुछ नहीं लगाने, मैला होने का और कंघी भी नहीं करने का नहीं। और बाद में अगर कैसा करेगा और बैक टू नॉर्मल आने के लिए टकला, हाँ नीचे तो टकला। आप सही मिल गए आंटी, बचा लिया आपने। बोल रही मैं सीरियल में आता हूँ, ऐसा मेरे को पहली बार बोला किसी ने। कुंडली भाग्य या कौन से चैनल पे आता है? जी टीवी। बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर, हीरो है, विलेन है, हीरो है। अरे यार ये मेरे को बड़ी नहीं है, मेरा ही साइज है। आप पेन पे एक बार देख लो। All different things, one, that's what I'm thinking, कि मैं कहाँ लगाऊंगी, कितनी कंफ्यूजन, क्या ले सकती हूँ। देखो अभी तक मैंने अपने बारे में पर्सनल कुछ सोचा भी नहीं है। ये इस बेकरी का हर प्रोडक्ट, एवरीथिंग विच इज ऑन द मेन्यू एंड द काउंटर राइट नाउ, दिस गाय कैन ईट दैट। आई नो बनाना विच इज काइंड ऑफ माय फेवरेट थिंग। चलो
normal temples, wow. Himachal Pradesh. So you travel so much in India. What do you like about India? We like India because it is best place for photographer. Very, very safe. Thank you. 70,000 kilometers in India on the Royal Enfield, and they live in India now. And they keep on traveling. On wow. On amazing. शाम हो गई है, ठीक है? और एक एक अरंबोल में एक प्रथा है जिसे बोलते हैं सर्कल ऑफ ड्रम्स, और उसका एक आपको दिखला ही देते हैं शॉट, जो मैडम वहाँ पे थोड़ी बावली सी हो गई थी। जो मन करे वो कर लेना चाहिए। हाँ दिखाओ, डरते हैं। आज के थक थका के अब हमने डिसाइड किया कि चलो यार कहीं बैठते हैं, और अक्सर हम उस बीच पे ना एक जगह देखते थे, उसका नाम है, नाम लेना, नाम नहीं लेते, चलो अच्छा नाम नहीं लेते, छोड़ देते, ऐसा होता है ना, देख के वो काफी कूल सी वाइब आ रही है वहां से, तो हां ऐसी जगह, तो शायद हमें पहले लगता था कि वी आर नॉट कूल इनफ टू गो देयर, बट दैट डे वी वर फीलिंग क्वाइट कूल, तो हमने डिसाइड किया कि हम वहां जाएंगे। अब हम वहां जाते हैं, जब हम मेन्यू मंगाते हैं तो हमें पता, अब हमें भूख तो काफी लगी है, अब मेन्यू आया, हमने जब चेकआउट किया तो उसमें सब कुछ वेजिटेरियन था, तो हम दोनों थोड़े सरप्राइज्ड हो गए। फिर हमें आस्ता आस्ता समझ आने लगा कि नहीं यार ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये कुछ हटके है। तो वीगन मेन्यू होता है जो प्रॉपर, तो शाम के टाइम पे एक सरदार बटर चिकन खाने के बजाय एवोकाडो सैंडविच खा रहा है। तो अक्सर एक कहानी में सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा हो, जैसे होता है ना हीरो हीरोइन की अगर पहले ही आधे घंटे में प्यार के बाद शादी होगी, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, ठीक है? तो अब जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो अब कुछ ट्विस्ट तो आना ही था, ठीक है? क्योंकि हम घर जाने वाले हो नहीं रहे थे, हम सुबह से आए हुए थे। हाँ, हमारा था नहीं आज, हम मतलब जाएंगे करके मानेंगे, कुछ करके ही मानेंगे। तो अब क्या हुआ कि अचानक से जो ओनर है ऑफ दैट प्लेस वॉक्स अप टू अस और हमसे बातें करने लग जाता है, और हम तो हैं ही लफंगे, हमें तो बातें करने वाला बंदा चाहिए, तो हम शुरू हो गए उससे कहानियां मारने, अच्छा अच्छा ये वो बातें हो गई। तो बात यह है कि वहाँ पे एक 20 दिन से प्रोग्राम चल रहा था और काफी अंग्रेज लोग थे उसके अंदर, तो जो हमें कीड़ा होता है जानने का कि यहाँ होता क्या है, हो क्या रहा है, उस चक्कर में क्यूरियोसिटी में हमने पूछा, तो उन्होंने बोला आज ही हो रही है एक सेरेमनी, उसका नाम होता है ककाउआ सेरेमनी, एंड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी वर ऑल इनसाइड अ ह्यूज टेंट। सोचो इमेजिनेशन, ठीक है? बीच पे शैक, शैक के पीछे ओपन स्पेस, पूरी पानी की आवाजें, अब एक टेंट है डूम शेप्ड, एंड देन देयर आर अबाउट 50 पीपल इनसाइड, बस कैंडल्स जल रही है। मैं दिखाई देता हूँ ना, हमारी तरह सफेद पोशाक पहनकर ऐसी कैंडल, मतलब एकदम माहौल ऐसा कि भैया आज तो हम स्पिरिचुअल बन के ही निकलेंगे। मुझे ऐसा लगा है 2 मिनट के लिए कि जितने भी यहाँ कपल हैं, 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस कैंडल के आसपास इनकी शादी करा दी जाएगी, मतलब रोमांटक रोमांटक सेरेमनी शुरू होती है और हमार को पोर कर दिया जाता है 1 कप भर के कोकोआ, ठीक है? तो अब हम सारे 50 लोग गोले में बैठे हैं चौकड़ियां मार के, और हमने शुरू कर दिए सिप्पे लेना, और मैं खुश हो गया था क्योंकि भाई वो एवोकाडो सैंडविच खाया है, वेगन जगह पे बैठे हैं, तो क्या पता कुछ पदार्थ ऐसा इसमें से निकला है जिससे मजा आ जाए, मगर वो खाली चॉकलेट था, चॉकलेट और हाँ, उसमें कुछ स्पाइसेस डाले हुए थे। अब इनका फंडा ये होता है कि द रियल एंड दिस चॉकलेट, दिस थिंग दैट दे हैव क्रिएटेड, वंस यू हैव इट तो आपके अंदर इट ओपन्स योर हार्ट, दिल, मतलब समझ रहे हो ना, ओपन, दिल आपका ओपन हो रहा है, दरवाजे खुल रहे हैं। आई एम नो एक्सपर्ट, बट कहने का मतलब उनका ये था कि आप ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो अपने सेंसेस को लेके, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हो, ज़्यादा कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो उन्होंने हमें समझाया था। इस चक्कर में मैंने 3 ग्लास पी लिए, इसने 3 ग्लास पी लिए, और उसके बाद शुरू होता है टाइम टू डांस। नहीं, वो पूछ रही थी उसके बाद कि कुछ हुआ किसी को, किसी को कुछ फील हो रहा है, तो सबने बता नहीं, हाँ बोला मैं तो। सो शी सेड कि भैया जिस जिसको जो जो साउंड निकालनी है ना
वो साउंड निकालो, म्यूजिक भी आपका तो म्यूजिक भी आपका और डांस भी आपका। आपका जो दिमाग है ना पागलपंती के मोड़ एक बंदे की रिदम को पकड़ रहा है एंड देन यू डांसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रिदम, सो यू आर इन सिंक With someone who is creating a random song. ये तो कहती है पढ़ाई वाली बात है। मेरे को कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मेरे सामने लोग नाचने लगे, मुझे लगा कि इन्होंने पहले से ही कुछ पदार्थ ले रखे हैं जो अभी मेरी बारी आई नहीं है, क्योंकि मैं पूरी शाम ड्रोन शॉट्स ले रहा था और ड्रोन शॉट लेने से पहले मैं नो ड्रिंकिंग वाला बंदा हूँ क्योंकि मेरा ड्रोन गिर सकता है पानी में, तो मैं तो ये वेट कर रहा था कि कुछ हो, कुछ ना हुआ नहीं। उस टाइम मुझे लगा कि हाँ यार मुझे फील आ रही है, मुझे मजा आने लग गया था। अब सरप्राइज, द बिग सरप्राइज। मैडम ने बोला कि सारे बैठ जाओ वापसी। सारे बैठ गए। मैडम ने बोला कि सब एक लड़का एक लड़की करके गोला बना लो। हमने गोला बना लिया। ये मेरे साथ बैठी थी। फिर मैडम ने बोला कि एक काम करो, पांच पांच के ग्रुप बना लो। बेसिकली हो गया, पांच जो बंदे है ना उनको ये था कि आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, आप किसी से कुछ भी मांग सकते हो। So from the rest, four people, चार लोग जो हैं, मैं उनसे कुछ भी करवा सकती हूँ, मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ फेवर, और मैं उनसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो मैंने ऑब्वियसली, पता ही है ना आपको मैं तो कैसी हूँ तो मैंने उनसे सबसे पहले, उन्होंने मुझे ही बोल दिया यार, मेरे इतना सोचने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सबसे पहले ये बोल दिया कि मेरा लाइफ का फंडा है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, क्योंकि मुझे नहीं सब कुछ ज्ञान पता होना चाहिए, वो जितने की जरूरत है मैं उतना जानती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। तो सबने अपने अपनी कहानियां हमारी इधर उधर की और English. बात खत्म। बड़ा जिगर इंग्लिश। तो भाई साहब की बारी है। अब भाई साहब कैसे है ना कि इनको अगर टच कर दो ना ऐसे, तो इनको ना अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब इफ अ स्ट्रेंजर जब कोई ऐसे मसाज नाम लेता है और इसे टच, तो मैं कतई अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। हमने इसको मसाज किया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने शोल्डर पकड़ लिया, तो इसने स्ट्रेंजर से मसाज ली। शराफत। काफी इसको मजे आए, मतलब तुम तो मतलब सही निकले ना। ठीक है, सही। हाँ तब तक सही है, तक तो अभी सब सेफ है। अब अचानक से आती है कुछ आवाजें, समझ रहे हो? अब लोग फ्री हो गए। ठीक है, फ्री हो गए। अब जब लोग फ्री हो गए और लोगों ने अपनी करनी शुरू कर दी, अपनी मन की, कोई किसी ने कोई बात कह दी मुझे ये करवाना आपसे या मुझे ये करना है, तो वहां वो शुरू हो गया। देखो सिंपल सी बात है, वो बोलती है कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, सो समबडी इज डूइंग समथिंग दे वांट टू डू, व्हाट आई वांटेड टू डू वाज रन अवे, सो आई टोल्ड हिम भाग यहां से, सुसु आईया इज द बेस्ट ऑप्शन, बोल के निकल जाना। मतलब वी वॉक फॉर 15 मिनट्स, हम दोनों की फटी पड़ी थी, हमें कुछ पता नहीं था हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमसे कुछ बोला नहीं जा रहा, आया आया हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। आप किसी को फ्री छोड़ दो तो लोग बहुत चीजें करते हैं। शायद मैं तेरे बिना होता तो मैं वो रुक जाता, ऑनेस्टली देखने के लिए आगे क्या होता है। शायद मैं भी अगर तेरे बिना होती तो मैं भी रुक जाती ऑनेस्टली आगे देखने के लिए कि क्या होता है। Why it was okay for you to say this and now you're making that face for me? That's my choice, freedom. Yeah.